हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथा द्वारा। हम पढ़ रहे हैं MA फाइनल का सौंदर्य शास्त्र का पेपर। आज हम पढ़ेंगे इस कड़ी में रोजर फ्राई। अब तक हमने ब्रेटू हीगल कांट क्रोचे फ्रायर बॉम्बॉर्टन का अध्ययन किया। आज इस कड़ी में रोजर फ्राई जो है, उन्होंने चित्रकला को ध्यान में रखकर ही सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। उनका विचार था, कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है, यानी कि कला जो है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, अपितु कला हमें आनंद देती है। कला में संवेगों की अनुभूति होती है। कलाकार कला में जो संवेग व्यक्त करता है वे कल्पना पर आधारित होते हैं तथा यथार्थ जीवन के संवेगों से दुर्बल होते हैं। कलाजनित संवेगों से दर्शक के मन में किसी प्रकार के प्रतिक्रियात्मक भाव उत्पन्न नहीं होते, वरन वह कलाकृति तथा दर्शक एक हो जाते हैं। यही अवस्था उसे यथार्थ जीवन के राग द्वेष से मुक्त रखकर आनंद देती है। दर्शक की अनुभूत संवेदनाओं को कलाकार ही जागृत करता है तथा दर्शक जब कलाकृति का परिशीलन करता है तो उसके संवेग उत्वेलित हो जाते हैं। वह कलाकार से विशिष्ट संबंध स्थापित कर लेता है। इस समय दर्शक यह अनुभव करने लगता है कि कलाकार द्वारा की गई संवेगों की अभिव्यक्ति प्रचन्न रूप से उसमें विद्यमान रहती है। इस प्रकार दर्शक कलाकृति के माध्यम से अपने ही भाव प्रातिभ ज्ञान करता है और यह प्रातिभ ज्ञान ही समानुभूति है। इन कलाजनित संवेगों से दर्शक के मन में किसी प्रकार के प्रतिक्रियात्मक भाव उत्पन्न नहीं होते, वरन कलाकृति तथा दर्शक एक हो जाते हैं। दर्शक तीव्र मनन की अवस्था में रहता है। यही अवस्था उसे यथार्थ जीवन के राग द्वेष से मुक्त कर आनंद देती है। रोजर फ्राई भी इस सार्थक रूप को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी भी कलाकृति के सार्थक रूप के अतिरिक्त अन्य खोज करना व्यर्थ है। इनके अनुसार किसी भी कलाकृति में निहित संवेगों के प्रस्तुतिकरण में सौदृश्य क्रम तथा वैभिन्न से दर्शक के मन में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो इंद्रिय सौंदर्य से विलक्षण है। कला से प्राप्त आनंद अधिक मौलिक तथा पूर्णतः भिन्न होता है तथा वह भौतिक एवं क्षणिक नहीं होता। इस प्रकार हमने रोजर फ्राई के सौंदर्य संबंधी विचार पढ़े, जिसमें एक चीज उभर कर जो हमारे सामने आती है वो है कि कलाकार का तादाद में कलाकार द्वारा जो बनाई गई कलाकृति है और जो दर्शक है, तो दर्शक और कलाकृति के बीच जब तादाद में स्थापित होता है तो वे इसे आनंद की अनुभूति मानते हैं। भारतीय रसदान कहा गया है। दूसरी बात उन्होंने जो कही उसमें कहा कि कलाकार जो है, जिसने जो पेंटिंग बनाई है, कलाकृति जो बनाई है, दर्शक भी उसमें वही भाव देखता है, तो हम कहते हैं यहाँ कि दर्शक और कलाकृति एक हो जाते हैं। जब दर्शक उसका परिशीलन करता है तो वो कलाकृति के साथ जुड़ जाता है और उसका साधारणीकरण हो जाता है और वो आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार रोजर फ्राई ने अपने कला संबंधी कलाकृति के आधार पर अपने सौंदर्य संबंधी विचारों को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कलाकृति पर विशेष जोर दिया और बताया कि ये क्षणिक नहीं होती है और कलाकृति से प्राप्त जो आनंद है वो पूर्णतः है, मौलिक है और भौतिक और क्षणिक से वो भिन्न है। इस प्रकार हमने अब तक जितने भी विचारक पढ़े उसमें यही बात उभर कर आई कि हमारा तादात्म्य जब कलाकृति के साथ होता है तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। थैंक यू।